उधर फतेहपुर में धौली शक्ति मार्ग के समीप स्थित राधा गार्डन में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। आयोजित जन आक्रोश सभा के समापन के मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अपराधों का ग्राफ बढ़ा। राजेंद्र राठौड़ ने पेपर आउट मामले पर कहा कि कांग्रेस सरकार पर पेपर माफियाओं का पूरा नियंत्रण है और सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। सरकार में साधु संत सुरक्षित नहीं। राजस्थान में इन चार वर्षों में एक दर्जन से ज्यादा साधु संतों पर हमला हुआ, क्या हुई, उन्होंने आत्मदाह किया। ये सरकार के माथे पर कलंक है और आज एक बार फिर पेपर माफियों ने बता दिया कि सरकार पर उनका वर्चस्व है। तमाम दावों के बाद 4.5 लाख बच्चों के अरमानों पर फिर कुठाराघात हुआ। एक बार फिर टीचर ग्रेड सेकंड का प्रश्न पत्र बाहर आया। इस सरकार का नियंत्रण कानून व्यवस्था से लेकर किसी बात पर नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में जुटी हुई है। सरकार के छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च कुर्सी पर बैठे मंत्रीगण